press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जैसा कि फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने कोरल ड्राइव में बने हुए डिजाइन या लोगो को हम इमेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स इसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने कोरल ड्राइव एप्लीकेशन पर। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने क्या किया, अपने कोरल ड्राइव एप्लीकेशन को ओपन कर लिया और इसमें फ्रेंड्स क्या है कि हमारा पहले से ही अपना लोगो बनाया है और इसी लोगो को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स की इमेज में कन्वर्ट कर बताएंगे आपको। सो फ्रेंड्स चलते हैं हम फाइल ऑप्शन पर। फाइल ऑप्शन पर जाने के बाद फ्रेंड्स एक्सपोर्ट फॉर फाइल ऑफिस पर हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि अपने फाइल को किसी नाम से सेव करना है। सो फ्रेंड्स हम ICT के नाम से सेव कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर देख लेना है कि हमारी जो फाइल है वो कहाँ पर सेव हो रही है। सो फ्रेंड्स हमारी फाइल माई डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रही है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है कि देखना है कि हमारा जो लोगो पहले से बनाए थे वो जो सेव किए हैं वो हमारा इमेज में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने कंप्यूटर ऑप्शन में। कंप्यूटर पर जाने के बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं यहाँ पर ICT के नाम से जो हमने यहाँ पर सेव किया था वो हमारा यहाँ पर आ गया है और इसे हम फ्रेंड्स ओपन करके देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो लोगो थी वो इमेज में कन्वर्ट हो चुकी है। सो फ्रेंड्स हम किसी भी तरह के किसी भी फाइल हो या कोई भी हमारी इमेज हो या कोई भी अपने द्वारा खुद द्वारा बनाए गए कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो उसे हम इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें।